यार ऐसा है कि दो रीज़न है आने के। एक तो मैं बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल जंकी हूँ, मुझे गाड़ियाँ मोटरबाइक्स बहुत पसंद हैं, जैसे कि आप लोग अब जानते ही हैं, हाल ही में न्यूज़ में भी रही बात। लेकिन मुझे लगा कि मिड डे जो इतना बढ़िया ग्रुप है, जागरण ग्रुप है, मीडिया वाले हमारे जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इवेंट्स को अभी भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आके हम अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें, उनका हाथ बटा सकें, तो आई थॉट that's something that I should come in and support both the automobile industry and our friends in the media. So kitna gaadiyon ka hum aisa maan rahe ki aane wale dino mein dheero sara collection hone wala hai. I know aapke daddy ne jo gift ki thi wo abhi bhi aapne bahut sambhal ke, bilkul bilkul. So I think for me gaadiyon se hamesha ek pyar sa raha hai. I think lot of boys jab wo bade hote hain to unko hamesha yaad aati hai ki jab unke पिताजी गाड़ी चला रहे होते हैं या मोटरबाइक चला रहे होते हैं, स्कूटर चला रहे होते हैं, तो उनके सामने वो गोद में बैठकर कर रहे होते हैं ना, तो मेरा बेटा भी वैसे ही है। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ या गाड़ी में बैठता हूँ तो पहले आके मेरी गोद में बैठ जाता है, तो कि मुझे भी चलाना है, हॉर्न बजाना है, तो एक प्रेम तो होता ही है, कनेक्ट तो है ही ऑटोमोबाइल से बड़े होने के बाद में। आई थिंक इट्स बिन अमेजिंग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं भी बता रहा था कि जब हम छोटे थे तो हिंदुस्तान में पद्मिनी फिएट या एम्बेसडर बहुत हुआ, तो एक कॉन्टेसा हो गई या फिर एक मारुति एस्टीम, ये गाड़ियाँ हुआ करती थी। आज यू नो इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना वाइब्रेंट हो गया, इतना कमाल हो गया है कि दुनिया का हर ब्रांड पहले हिंदुस्तान आने के लिए सोच रहा है। आज टेस्ला भी हिंदुस्तान में उतर रहा है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर इंडिया एज अ कंट्री। एंड मुझे ये भी खुशी होती है कि हमारी जो गाड़ियाँ बनती हैं, जैसे महिंद्राज हैं, वो इंटरनेशनल क्वालिटी को टक्कर दे पाते हैं, यू नो मेक इन इंडिया से यहाँ से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। आज जो नई थार निकली है, आई थिंक उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इट्स कंपेरेबल विद एनी अदर इंटरनेशनल SUV, तो वो चीज़ को भी देखकर एक बहुत गर्व महसूस होता है। ओके, इसी के साथ जिस तरीके से आपने बताया कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका बेटा टाइम पर बैठता है, वो गाड़ी की आवाज़ें निकालते हैं, तो आपके साथ में कुछ ऐसी कोई यादें रही हैं आपकी आपके बचपन में, या जब कुछ आप कोई पहली कार या कुछ ऐसा कुछ शेयर करना? अरे यार बहुत सारी यादें हैं। मुझे याद है कि मेरे पिताजी की एक छोटी सी फिएट होती थी, हैदराबाद से जो लेके आए थे मुंबई में, उसको डुक्कर फिएट कहते थे, डुक्कर यानी कि पिग, तो वो पिग की तरह दिखती थी छोटी सी, उसको डुक्कर फिएट कहा करते थे, छोटी सी होती थी। मुझे याद है कि उस ज़माने में धुआं निकल जाता था कि अगर रेडिएटर में पानी डालना भूल गए तो वो भी अभी याद है मुझे। अब तो वो सारी चीज़ें यू नो इट्स जस्ट गॉन, बट मुझे याद है कि हम लोग लोनावला जाते वक्त साइड में उतर के कपड़ा बांध के कैसे डैड वो रेडिएटर का कैप खोलते थे और हम लोग धीरे धीरे करके उसके अंदर पानी डालते थे, तो ये सारी चीज़ें एक बचपन की यादें हैं। मुझे याद है कि वो गाना निकला था मनु भाई की मोटर चली पम पम पम, तो मेरा फेवरेट होता था गोदी में बैठ के, जब भी पम 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 होता था तो हॉर्न बजाना पम पम पम, तो इतनी सारी छोटी छोटी यादें हैं। और आई थिंक और स्पेशल मेरे लिए है कि जब मैं 18 साल का हुआ, और गाड़ी सब हर एक लड़के को चाहिए होती है जब वो 18 साल का होता है, बाइक या कार या कुछ ना कुछ, और मैं हमेशा बहुत रफ एंड टफ एडवेंचरस काइंड ऑफ था, तो आई हैड वन गोल्ड मेडल एट द इंडियन नेशनल यूथ फेस्टिवल फॉर थिएटर, एंड वन डे आई केम होम एंड सामने एक खूबसूरत सी महिंद्रा CJ340 शॉर्ट जीप ओपन टॉप विद बिग फैट मैगवील टायर्स, ओहो वो दिन मुझे आज भी याद है, मतलब आई वॉज इन लव एंड आई वॉज लाइक ये मेरे लिए, एंड दैट वॉज माई फादर्स गिफ्ट टू मी एंड आई स्टिल हैव इट, आई स्टिल चेरिश इट। अभी भी हम जब आप लोग आते हैं गणपति के समय, हम लोग जब विसर्जन करने निकलते हैं तो उसी जीप में निकलते हैं, एंड दैट ड्राइव्स इट एंड आई सिट ऑन द साइड, दैट्स स्टिल अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। बहुत बहुत मस्ती करता है वो, उसकी फेवरेट गाड़ी वही है, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम नाउ,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, मैं खुद इन्वॉल्व होना चाह रहा हूँ. आई एम इन्वॉल्व विद मेनी स्टार्टअप्स एज अ को-फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर. कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज मुझसे बात भी कर रही हैं इस वक्त, इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स, इलेक्ट्रिक सुपर बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स. आई थिंक हिंदुस्तान इज़ गोइंग टू बिकम अ बिग हब फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी. करंटली लुकिंग एट द वे यू नो सोलर पावर एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हिंदुस्तान ने इतना बड़ा एक कदम रखा है. सो आई सी द फ्यूचर इज क्लीन, ग्रीन एंड इंडियन. सर, पेट्रोल का रेट इतना हाई हो गया, क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही चलेगी पेट्रोल की गाड़ियाँ? आई अग्री विद यू 100% एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये अगर हो जाता है तो हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ी फ़ायदेमंद बात है नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ सूर्य की किरणों की कमी नहीं है. हम सोलर पावर में वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं. सोलर पावर हमारे यहाँ इतना सस्ता होते जा रहा है, जब दुनिया में महंगा हो रहा है पावर का दाम, बिजली का दाम महंगा होते जा रहा है, हिंदुस्तान में सस्ता होते जा रहा है सोलर पावर का दाम. हम पहले सुनते थे 8 रुपये 16 रुपये पर यूनिट, आज हम 2 रुपये 2.5 रुपये में भी लोग टेंडर जीत रहे हैं. तो इट्स बिकमिंग ह्यूज इन इंडिया एंड हिंदुस्तान की आज की तारीख में 6 से 7 लाख करोड़ की ऑयल एंड गैस की इम्पोर्ट की बिल होती है. हमारे कमाए हुए डॉलर्स बाहर जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि देखो डॉलर कितना ऊपर चढ़ गया है, क्योंकि हम तेल ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं. अगर वो तेल हमने इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इम्पोर्ट करना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव एंड वी शुड टर्न इलेक्ट्रिक सून. जी हाँ, तो मेरे भी जैसे आपने कहा सही कि जिन लोगों की आधी आधी में अटकी थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया. जैसे अभी इनसाइड एज 3 है, तो इनसाइड एज 3 का फाइनली हम प्रमोशन करने उतर रहे हैं और अगले क्वार्टर में उसका रिलीज़ भी हो जाएगा. तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट ऑन अमेज़न प्राइम. एंड पिक्चरें जो हैं जिनको हम शूट करने वाले थे, तो कभी क्या होती है, हमने जैसे हमने UK शूट प्लान किया था, फिर UK में बहुत बुरा एक सेकेंड वेव आया, तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ा. तो सब लोग इस वक्त एडजस्ट कर रहे हैं, बट आई एम होपिंग एंड प्रेइंग. जैसे रूही आई रिलीज़ हुई, ठीक ठाक रिस्पांस मिला है उसको, अच्छा रिस्पांस मिला है. मेरे दोस्त संजय गुप्ता की और जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी की फिल्म आ रही है मुंबई सागा 19 तारीख को. सो आई एम विशिंग देम ऑल द बेस्ट. शायद मैं आज शाम को जाके पिक्चर भी देख लूँ, संजय ने भी इन्वाइट किया है. तो आई एम होपिंग कि पिक्चरें चलें, थिएटर में लोग आएँ और जल्द से जल्द आई थिंक जो वैक्सीनेशन का काम हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है. मेरे माता पिता उनको पहला डोज लगा, हमें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें किसी के साथ कोई VIP ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. सिंपल कोविन ऐप पे हमने डाला. पिताजी तो वैसे भी रूल्स के मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो उन्होंने सिर्फ कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन किया, अपने आप कॉल आया और हमारी एरिया की जो BJP की जो रेणु हंसराज जी हैं, आई डोंट नो उनकी ऑफिशियल पोजिशन क्या है, बट शी वॉज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. और कूपर हॉस्पिटल गए पेरेंट्स और इतनी अच्छी तरह से सारा हुआ. वैक्सीनेशन लगने के बाद उनको इत्मीनान से बैठाया, चेक किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई एडवर्स रिएक्शंस नहीं है, उसके बाद भेजा. सो आई वाज वेरी टच टू सी दैट, यू नो मेरे पेरेंट्स एल्डरली है, मैं खुद नहीं वहाँ जा पाता हूँ फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट इस तरह से फीडबैक मिले तो एक गर्व भी महसूस होता है कि देश में अच्छी चीज़ें हो रही हैं. वो एग्जैक्ट डेट तो मैं अलाउड नहीं हूँ बोलने के लिए, बट हमारी शूटिंग कम्प्लीट है, हमारी शो जो 3rd सीज़न है वो रेडी है, लोग एक्साइटेड हैं इसको लेके. वैसे भी क्रिकेट का बुखार वापस हिंदुस्तान में आ चुका है, तो वी आर एक्साइटेड अबाउट रिलीजिंग दैट वेरी सून. एंड प्री रिलीज जो हम प्रमोशंस करते हैं वो प्रमोशंस की शूट हम शुरू कर रहे हैं. यार अगेन 2-4 बहुत एक्साइटिंग चीज़ें चल रही हैं, कहीं मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका शायद मैं एक शायद इस महीने के एंड से पहले हम अनाउंसमेंट प्रॉपरली करें, या लेटेस्ट टू लेटेस्ट अप्रैल में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी. चीज़ें हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं. इट्स अ रियली गुड टाइम फॉर कॉन्टेंट, बहुत मज़ा आ रहा है. सिर्फ थिएटर्स चल जाएँ एंड यू नो हमारे जितने एक फ्रटर्निटी का एक हिस्सा हमारे ये भी हैं जो थिएटर वर्कर्स हैं, अशर्स हैं बेचारे जो थिएटर की मेंटेनेंस में काम करते हैं, हमारे थिएटर मालिक हैं, उन सब की इस वक्त हालत बहुत खस्ता है. दे आर गोइंग थ्रू हेल राइट नाउ टू कीप सच अ सफ़ेद हाथी को मेंटेन करके रखना. तो वी आर होपिंग कि थिएटर्स चल जाएं और लोगों की सेहत वापस आ जाए और फिल्म इंडस्ट्री की सेहत भी वापस ठीक हो जाए. सर,
So I would just say I would like to welcome everyone, all the participants. Just as you asked for Vivek sir, Vivek sir is like a family, and he is a person with a golden heart. And I think we have started our partnership since last event, which was in the month of December, during the COVID period. I would just say thank you for always being there with us and always supporting Midday as a brand. You know, Rahul, you've been so dynamic with your leadership, and you've been so positive, and you know, you're taking so much initiative that Midday is lucky to have you. And I think this partnership has begun on a great note, yes. And I will continue to support all your initiatives. And likewise, hopefully, you know, we will take this partnership forward in many ways when our shows and our films are coming out too. Yes. Thank you. Yeah. So I would just like to add that, you know, we have this is our 7th edition, and our first edition which we started, which was a grand thing, which we did it in the mall called Infinity at Malad. Then it was Sidco, and this is the first time that we have organized this event at our city. So I think it's a good venue, you know, you're a decent crowd, and with the presence of Vivek sir, it has been super. He's the real chief guest today, bud.